सत श्री अकाल जी सारयां नूं। मैं मोहिंदर कौर फ्लाई अब्रॉड इमीग्रेशन तो काफ़ी टाइम बाद अज मैं लाइव हुई हाँ। अज का मेरा टॉपिक किसी भी कॉलेज नूं लैके रिलेटिड नहीं होगा, ना किसी प्रोग्राम नूं लैके, ना तो किसी ऑफर लैटर नूं लैके। अज बड़ी हैरानगी वाली गल हुई है। एक स्टूडेंट सीगा, उसकी रिफ्यूजल सीगी बठिंडे तो बच्चा सीगा मेरे कोल, उहदी अज अपॉइंटमेंट सीगी ते मेरे कोल विजिट करके गए आ। हैरानगी वाली ये गल हुई कि बच्चे दे साढ़े छे बैंड सीगे ते एक दे विच साढ़े पांच सीगे ते बच्चे ने प्लस टू कीती सीगी ते उसदे दो साल का गैप सीगा। एजेंट ने की किया, दो साल की उसकी एक्सपीरियंस लैटर लगाई, जिवें कि बच्चे ने आर्ट्स की सी ते फर्दर जिहड़ा वन होस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम लैके दिता गया ते दो साल के गैप दे विच बच्चे नूं किसी होटल का हाउसकीपर का उन्हों एक्सपीरियंस शो करवा दिता, जिसके करके कि बच्चे की रिफ्यूजल आई। दूसरा मुद्दा सीगा बच्चे की SOP नहीं बनाई गई, तो कंपनी वैल रेप्यूटेड हैगी है, बहुत वड्डा ब्रांड हैगा, बट उन्होंने स्टाफ की लापरवाहियों की वजह के नाल अज बच्चे सरवाइव करना पै रहा कि बच्चे के साढ़े छे बैंड के होंदिया होया भी बच्चे रिफ्यूजल का सामना करना पाया। अज की वीडियो उन्होंने बच्चों वास्ते आ जिन्होंने कि नॉलेज नहीं आ कि प्लस टू तो बाद कभी भी एक्सपीरियंस लैटर नहीं लगाई दी, खास करके अज की यह वीडियो जी है बच्चों को दसन वास्ते हैगी है कि जो भी बच्चे ने प्लस टू की हो उसनों कभी भी एक्सपीरियंस लैटर नहीं शो करनी चाहिए। डिप्लोमा तुसी शो कर सकते हो एक दो साल का रेलेवेंट टू या प्रीवियस स्टडी या तो जी तुसी स्टडी लै रहे हो उस दे नाल रेलेवेंट करके, पर कभी भी बच्चा प्लस टू तो बाद अगर इंडिया के जॉब कर रहा है तो उसको फर्दर उत्थे एडमिशन या फर्दर उसको वीजा किमें मिल सकता वा, मेरी समझ तो बाहर है। मेरा 10 साल का तजर्बा यह कहता है कि अज तक कभी भी प्लस टू के कभी भी मैं एक्सपीरियंस लैटर जी की सपोर्ट लैके कभी वीजा नहीं लिया। प्लस टू तो बाद डिप्लोमा कर सकते हो बट तुम प्लस टू तो बाद जॉब करने तो बाद वीजा नहीं लै सकते हो, यह मेरा तजर्बा है 10 साल का कैनेडा के। ग्रेजुएशन अगर बच्चे ने की है तो मास्टर्स की हुई है जी सद के, तुम 10 साल का भी एक्सपीरियंस लैटर दिखा दो तो तीन कंपनियां की भी जॉब्स दिखा दो तो वीजा आ जाऊगा। उन्होंने बच्चों वास्ते जिन्होंने नॉलेज नहीं है, जो एजेंट्स के मगर लगते हैं तो जो कि एजेंट्स उन्होंने गाइड करते हैं कि तो एक्सपीरियंस लैटर बना ला, बहुत हैरानी वाली गल हैगी। तो गौर करना इस वीडियो के प्लस टू वाले बच्चे जिन्हें भी है एटलीस्ट उन्होंने अपनी फाइल के इन्ना क पता होना चाहिए कि प्लस टू तो बाद जॉब अपनी ना दिखा, तो जो एक्सपीरियंस लैटर दिखा भी रहे हैं ग्रेजुएशन या मास्टर्स तो बाद, जिहड़े भी बच्चे ग्रेजुएशन ते मास्टर्स तो बाद एक्सपीरियंस लैटर्स अपनी शो करते हैं तो गूगल के उत्ते उसका एड्रैस, उसकी वैबसाइट, उसका लैंडलाइन नंबर, ईमेल ID, प्रॉपर उसकी स्टैंप जी होंगी है वह भी चैक कर, साइन जे रेड पेन किए हुए थे, तो इस तरह दरीक बरीक चीज़ा ने, मिसटेक्स ने जिन्हों करके कि साडा वीजा रिफ्यूज हो जाता वा, जो कि बच्चे नॉलेज नहीं आ। यह सारी चीज़ा जरूर देखा करो, तुम सैलरी स्लिप्स भी दिखाया करो, अकाउंट के कोई भी तुम्हें सैलरी दिखाने की जरूरत नहीं होंगी कैनेडा के, बट सैलरी स्लिप्स, ज्वाइनिंग लैटर एंड एक्सपीरियंस लैटर, यह तीन चीज़ा जरूर तुम्हें देखनिया ने, ये लगानिया होंदिया ने। जॉब रिस्पोंसिबिलिटीज भी थोड़िया लगानिया होंदिया तुम, और जो भी सैलरी स्लिप दिखाते हो थोड़ा जा वेरी करनी चाहिए है थोड़ी सैलरी कि किन्ने साल का तुम एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, बट प्लस टू वाले बच्चे बिल्कुल भी जी है एक्सपीरियंस नहीं अपना दिखाना चाहिए। तो SOP की इतने मैं गल करा, उस बठिंडे तो जी लड़की आई सी उसकी SOP तक उस कंपनी ने नहीं दिती सी। जब मैं पूछा बच्चे ने कि बेटा तुम SOP अपनी क्यों नहीं उत्थे जी प्रोवाइड की, तो बच्चा मैंने अगो कहता है कि मैं मुस्कान मैम कोई है उस कंपनी के स्टाफ जिसने कि कहा कि मैं तेरी SOP जी है वह मैं लगावगी, तो बाद उसने उसकी SOP नहीं लगाई। तो डिप्लोमे की अगर मैं गल करा प्लस टू तो बाद उसके 2 साल के डिप्लोमे चाहिए थे बट स्टाफ की गलती की वजह न उस लड़की को एक्सपीरियंस लैटर शो करवा दी गई जी के जिसके करके कि बच्चे का नुकसान होया, उसने डिप्लोमा कह के एक्सपीरियंस लैटर लगाई गई जिसके करके कि अजो बच्ची जी है 6.5 बैंड लैन के बावजूद भी अजो परेशान सी, हूँ अपने हसबेंड के बिहाफ से हूँ उसकी फाइल लगेगी। तो इस तरह की छोटिया छोटिया गल्लां ने जिन्हों करके कि बच्चों के लॉस होंगे ने, तो बच्चों के दिल टुट जाते हैं, तो फर्दर उन्होंने वीजा लैन में दिक्कत आती है। हूँ एक्सपीरियंस लैटर उत्थे ऑलरेडी मैनशन हो चुकी है जिस दे विच के हूँ वीजा लैना थोड़ी दिक्कत वाली गल है,
ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ AOL ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਈਚ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 100% ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਊਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਏਜੰਟ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੀ, ਇੱਥੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾੜੀ 1 to 5 ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ LGBT ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੌਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।